चेंज हो गया, क्या करें हम? तो मतलब भगवान ना करे आगे जाके कुछ ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो एवरी टाइम जो लास्ट है, पहली बात तो ये मान के चले ऐसा कुछ नहीं सर मेरा फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, सर मैं तो चौथी बार दे रहा हूं। दैट इज ऑल अबाउट योर मेंटालिटी। अच्छा, टू बी वेरी फ्रैंक, आई क्लियर द एग्जाम्स इन वन गो, मैंने पहली बार भी क्लियर किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सुपीरियर, बहुत इंपीरियर, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। सिर्फ ग्रैब करने की बात आ रही है, कोई जल्दी ग्रैब कर लेता, कोई लेट ग्रैब करता है। अब देखो जो लेट ग्रैब करते हैं, सर हमारी तो ग्रैबिंग पावर ही कम है, क्या करें हम? उनकी तो ग्रैबिंग पावर है, बाय बर्थ मिली है उनको, बाय बर्थ नहीं मिली है। बाय बर्थ अब तक सिर्फ एक ही चीज मिलती है, दैट इज योर वॉइस, सिंगिंग का टैलेंट, वो बाय बर्थ होता है, उसको आप सीख नहीं सकते। बाकी हर चीज आप सीख सकते हैं, डांसिंग हो, कुछ हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, दैट इज ऑल योर स्किल्स। लेकिन टैलेंट जो बाय बर्थ होता है वो सिर्फ कौन सा होता है? सिंगिंग का। तो ये आपका बाय बर्थ नहीं है, पहली बात ये आप उसको खुद ग्रैब कर सकते हैं। कैसे? यू हैव द आंसर। आप लोग कहेंगे डिलीवर करके चला गया, लेक्चर हो गया, चलो कुछ नहीं कराया, ये था वो था, आपको कराने के लिए तो कुछ भी नहीं आया, करना तो आपने ही है। जितना मर्जी मैं बोल के चले जाऊं, वहां पे तो एक चीज याद रखनी कि आपको कितना आता है एग्जाम में। दैट इज ऑल अबाउट द स्मार्टफोन। जितना आप स्मार्टफोन देते रहेंगे उतना ईजी आपके लिए होता रहेगा। आपने कोई मॉक दी है क्या अब तक? मॉक टेस्ट दिए? क्या रिस्पॉन्स रहता है? काफी गलत हो जाता है, नेगेटिव में चले जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं जरा, नेगेटिव में सबके जाते हैं, मेरे भी जाते हैं, नेगेटिव में सबके जाते हैं। अच्छा किस बेस पे जाते हैं, क्या गलत होता है आपका? इंग्लिश गलत हुई, बाकी सब बाकी में इतना नहीं होता। अच्छा इतना नहीं होते, कुछ तो होते होंगे, वो कुछ कौन से होते हैं? जो जल्दबाजी में किए जाते हैं क्वेश्चन, लाइक लास्ट के दो चार मिनट में जो करते हैं। अब देखिए जरा, मतलब यहाँ पे एक और गेम आ गई टाइम मैनेजमेंट। टाइम कैसे मैनेज करेंगे? 30 इंग्लिश के, 35 रीजनिंग के, 35 मैथ्स के, कितना कितना टाइम देते हैं इनको? 15, 20, 25। पहले कौन सा करते हैं? रीजनिंग वाले कौन कौन? इंग्लिश वाले और मैथ्स वाले, बाकी प्रार्थना करते बैठे। एक बार निकाल देना। अब देखो पहला टॉपिक तो ये आता कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। अच्छा मैं यहां बोल के जाता हूं कि मैं कैसे करता था, या वाइडली जनता कैसे करती है, वो क्या करते हैं? पहला क्या करते हैं? इंग्लिश करते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, आपकी थोड़ा सिंड्रोम ना वीक नहीं होता, वो स्ट्रांग हो जाता है। मान लो मैं बात करता हूं, मैं एग्जाम देने गया, वहां पे क्या हुआ, एग्जाम देने के साथ साथ यार आज ना एग्जाम आया मेरा और पहली बार मैं दे रहा हूं, नर्वसनेस बहुत है। एक घंटा पहले बुलाते हैं आपको, पता है एग्जाम में बायोमेट्रिक कराने के लिए लगाना है, बुझा ही होता है, एक घंटा पहले बैठे रहते हैं वहां पे आप। तो वो क्या करता है, प्रेशर तो बिल्ड करता है साथ वालों को देख के। किसी के साथ हुआ ऐसा? अब देखो क्या करते हैं, हम वहां पे गए, हमने देखा एक तो बंदा होगा जो इंटेलिजेंट होगा, वो स्क्वायर रूट लिख रहा होगा, वहां बैठ के स्क्वायर लिख रहा होगा, फेस वैल्यू लिख रहा होगा। इधर वाला देखा, इधर वाला तो मेरी तरह पैर चढ़ा के बैठा होगा। तो आप सोचेंगे यार इसको सारा कुछ आता, बड़ा कूल बैठा है, तो इसको सब कुछ आता है। एक होगा ऐसे ऐसे कर रहा होगा, ऐसे ऐसे आप सोचेंगे पढ़ के आया बस, इसकी थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है, और आप खुद ऐसे बैठोगे कंप्यूटर की तरह देखते हुए, कुछ हैडाउन करके बैठे होंगे, वहीं से सिंड्रोम बढ़ता जाएगा। जैसे एग्जाम शुरू हुआ, योर टाइम टू बिगेन, जब एग्जाम शुरू हुआ आप ओके करते हैं, पहला क्वेश्चन नहीं, अरे ये क्या आ गया। भले ही आपने पढ़ाओ, आपने 10 बार क्लियर किया क्लास में, लेकिन पहला क्वेश्चन सिंड्रोम बन के आएगा। रीजन बिहाइंड दैट इज, आपने तो ऑफलाइन प्रैक्टिस किया है, हमने तो बुक में देखे क्वेश्चन, ये आया एरर, वहां पे जब आया वो तो 3 लाइनों में हुआ एरर, यहाँ पे 1 लाइन में आ जाता है, तो छोटी सी स्क्रीन होती है वहां 3 लाइन में आया, वहीं पे खराब हो गया, यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी, जबकि एरर इज आर गई क्यों ना हो। तो सबसे पहले तो आपकी मैनेजमेंट आनी चाहिए। अब मैं कहता हूं आप इंग्लिश करके जाएं, वो आपका फोकस बिल्ड करेगा, क्योंकि पहले 5-7 मिनट आपको फोकस में आने लग जाते हैं, यार पहले 5 क्वेश्चन हो गए, अभी टाइम कितना हो गया, 10 मिनट खत्म हो गए। वो जो 59 से वो शुरू हुई ना आपकी क्लॉक, 50 पे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, 50 से 40 जाने में टाइम लगेगा। ऐसा क्यों होता है? आप बाद में उसको देखते ही नहीं है, प्रेशर ही। और उस टाइम कितना देखा, 59 समथिंग, अभी तो देखा था अब 57 हो गया, तो वो सिंड्रोम बढ़ता जाता है। तो जितना आप काम कंपोज बिहेवियर में रहेंगे उतना ईजी हो जाएगा आपका। अच्छा ये काम बिहेवियर लाएंगे कहां से? काम वाला बिहेवियर सिर्फ प्रैक्टिस करके, जितना मैंने प्रैक्टिस किया होगा वॉक में उतना ईजी हो जाएगा मुझे उसे हैंडल करना। तो नए पैटर्न की बात कर रहा हूं, आपको इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो टेंसेस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितने बैचेस हैं जिनको टेंसेस करा दिया गया है वो डेली प्रैक्टिस रखें, न्यूज़पेपर में से पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना कुछ लोग इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, कौन कौन पढ़ता है? अच्छा मुझे एक कोई भी आंसर दे दो, क्या पढ़ते हैं उसको? एडिटोरियल पेज। अच्छा एडिटोरियल पढ़ते टाइम करते क्या है उसको? समझते हैं, फिर आप वर्ड मार्क करते हैं, फिर उनका मीनिंग ढूंढते हैं और वो वर्ड लर्न करते हैं। अच्छा आप नहीं करते, बाकी सब करते हैं, ठीक है गाइस।
मुझे ना काफी वर्ड के मतलब नहीं पता होते। मान लो यहाँ पे कोई टीचर नीचे बैठ के न्यूज पेपर पढ़ रहा है, वो पूछ रहा है पीयूष इसका मीनिंग बताइए, मैं बोलता लाइन पढ़ दे, मैं मीनिंग बता देता हूँ। आप भी ऐसा करते हैं? ये कैसे कर देते हैं बताओ, समझ के? तो पहला टेंस कौन सा हुआ? समझने वाला। तो टेंस का मतलब ही क्या होता है? टाइम। जितना आप टाइम टेंसेस पे देंगे उतना ही इजी टेंसेस आपके लिए हो जाएगा। तो सबसे मेन मोटिव मैं दे रहा हूं आपका टेंसेस पे, क्योंकि टेंसेस विल टेक यू फार इनटू इंग्लिश एग्जाम। इंग्लिश का सेक्शन आपका टेंसेस से पूरे हो जाएगा। क्लोजेस की बात करें, इसमें ब्लैंक्स फिल करने होते हैं, क्लोजेस पढ़ लो, पूरी स्टोरी की होती है वो, स्टोरी पढ़ लो, स्टोरी में तो हमें फिल करना आता ही आता है किस चीज की बात की गई है। रीअरेंजमेंट आता है, काफी को तंग करता है रीअरेंजमेंट। मेरा बना BCDEFG, आपका बना BCADEFG। सर एक ही तो गलत हुआ, एक कैसे गलत हो सकता है? कुछ होते रीअरेंजमेंट, एक गलत होता चार उठेंगे नजर वाले, है कि नहीं? तो रीअरेंजमेंट में कहां पे मेंटालिटी आई हमारी कि हमने फोकस नहीं पे किया। अगर आप हिंदी बना लेंगे हर लाइन का तो हो जाएगा। वहां करते क्या है, हम पता क्या करते हैं रीअरेंजमेंट बनाते टाइम? आपको बोला कि रीअरेंजमेंट को पांच मिनट देने हैं, हम क्या करते हैं बार बार ना पांच मिनट बार बार पढ़ी जाते हैं उसको, उससे हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। उनकी हिंदी बनाओ, अगर आपने हिंदी बना ली क्या पता लगेगा, अच्छा ये सेंटेंस यहां गया, ये वहां गया, यहां जाके थोड़ा सा हो रहा है। तो करेंगे क्या, बेसिक बनाओ, हिंदी बनाओ और तुम बात कर लो। तो पहला क्वेश्चन इंग्लिश में टेंसेस का, मैथ्स में क्या बताया आपको, और रीजनिंग में पजल। ये तीन करने के बाद ही आपके पास 70 मार्क्स का पेपर आपकी पॉकेट में होगा, 75 नंबर का। और अगर मैं बेसिक लेवल की बात करूं ना, एक एग्जाम का ना लेवल होता है, वो कहते हैं कि आपको ना 2/3 एग्जाम ना डेफिनेटली इजी लेवल का मिलेगा। 100 का 2/3 कितना हुआ? 66। हाँ जी, बाकी सब सर हम इधर उधर देख रहे हैं लेकिन मन में कैलकुलेशन चल रही है ना। 66-67 हुआ, 67 क्वेश्चन आपके इजी आएंगे। बचे कितने? 33 आपके मॉडरेट आएंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल हैव टू फाइंड दोज 67 क्वेश्चंस, दोज इजीयर क्वेश्चंस टू मेक इट मार्क अ रिजेम्बलेंस ऑन टू द एग्जाम। देन द 33 लेफ्ट, उसमें से क्या करेंगे आप, वो वाइडली चूज करेंगे जो आप कर सकते हैं। बैंकिंग वाला ये नहीं कह रहा कि 100 के 100 करके दिखाओ, वो कहता जो इजी है वो सारे करके तो दिखाओ। मैं वो करेंगे कैसे जब तक आप उसको ढूंढ नहीं सकते? मतलब आपसे करना क्या, आपको इतनी प्रैक्टिस चाहिए कि आप क्वेश्चन को देख के पता लगा लें कि ये करना है कि नहीं करना है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, शुरू करने के बाद अच्छा ये नहीं निकल रहा, छोड़ आगे चलते। वो कहां गया एक मिनट जो लूज किया, वो राउंड नहीं किया हमने सीधे सर हमने टफ वाला छोड़ दिया था, ये भी तो देखो छोड़ा कैसे था, उतने में दो इजी वाले कर लेता मैं एक मिनट में। तो सारी गेम आपकी प्रैक्टिस की आ रही है। इंग्लिश में ना एक और चीज आती है, पता है सेंटेंस करेक्शन क्या होता है? वो बोल्ड सेंटेंस लिखा होता है, बोल्ड कर देगा, चार ऑप्शन दे देगा, वो कर लेते हैं ना, वो मैक्सिमम लोग कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो? वो तो सेंटेंस के ऑप्शन हमारे को अवेलेबल होते हैं, जब हम ऑप्शन खुद पुट करेंगे तो शायद हम हिचके जाएंगे, ऑप्शन गिवन है तो एक मिनट लगाते हैं चूज करने में। और मैं बताऊं कैसे चूज करते हैं, चार ऑप्शन पुट कर करके कौन सेंस बना गया, जो सेंस बना गया वो ले गया, राइट? तो ऐसा ही आप क्लोज सेंस में क्यों नहीं करते, ये चार ऑप्शन है पुट कर दो इसमें, जो सेंस बना के लेगा। लेकिन पहली बात किसकी है, सेंस की। तो आई सेंस कहां से बनेगी जब तक टेंस नहीं आएगा? तो सेंस एंड टेंस आर इंटरलिंक, तो सारा इंग्लिश का पार्ट आपका टेंसेस पे इंटरलिंक है। और रही बात नए मॉक की, जो नए आपको मॉक प्रोवाइड किए जाएंगे, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। आई थिंक वी हैव गॉट 40 मॉक्स, 40 ऑफ द मेंस एंड 40 ऑफ द प्री, 40 प्री के एंड 25 मेंस, यू हैव गॉट 65 मॉक्स, दैट टू ऑन द न्यू पैटर्न। अभी तक एग्जाम की ऐसी कोई बुक ही नहीं आई जो आपको इतने मेंस प्रोवाइड कर दे, ना ही इतने प्री प्रोवाइड कर सकती है आपको। और दूसरी बात ये बनाया गया है, तो कहीं से उठाई भी नहीं करेंगे, सोचो आप कहां से उठाएंगे क्वेश्चन, बनेंगे अब तो क्वेश्चन तो, है कि नहीं? तो प्रॉपर बेस आपके लिए तैयार किया गया है। बैच ज्वाइन करेंगे आप तो आपको पता चलेगा ड्रिल क्या होती है, आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। इफ यू नो दैट, आप सोच रहे हैं कि ये तो बैच के लिए आए यहां पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें क्या मिलेगा, हम अगर आप स्टूडेंट्स यहां से निकलेंगे हमें अच्छा खासा मिलेगा, हाँ फेम मिल रहा है ज्ञान हमको, आपको भी आपकी लाइफ बन जाएगी, सक्सेस बन जाएगा, करियर आधे हो गए सर लास्ट टाइम जैसे मम्मी ने कहा शादी कर लेनी है इसके बाद है ना। कुछ लोग तो टोक देते हैं, जो पीछे देख रहे हैं वो पक्का शादी कराने वाले, बिलीव मी अभी शायद हंसी वाली बात लगे ना, आगे जाके तो कंफ्यूजन आएगी। किसी के मैरिज में जाते हैं अच्छे खासा बन के जाते हैं, लोग देख रहे होते हैं आपको, चलो ये भी शादी के लिए एलिजिबल हो गया है ना। आपके घर बात आती है, सबसे पहले रिलेटिव का क्वेश्चन क्या, क्या करता है लड़का या लड़की, क्या करती है? भले रिलेटिव को मेरा नाम ना पता, उसका नाम पीयूष है, पर ये जानना ही करता क्या बताओ, तो सही पहले वो सोचो। भले हमें वहां पे मजाक की बात लगे जैसे हम मजाक कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो ह्यूमिलेशन तो क्रिएट होती है यार, कम बताने जो कि नहीं हम क्या करते हैं। और ऐसा नहीं है आप बाकी से कम है, आप तो सुपीरियर प्राइवेट जॉब वालों से भी, खुद सोचो आप, अगर आप गवर्नमेंट को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सुपीरियर, गवर्नमेंट इतना इजी तो नहीं होता, हर बार स्मार्ट वर्क की बात आ जाती है। और कुछ लोग ऐसा होते हैं सर हम क्लर्क का नहीं भरते। एंड वन मोर थिंग, ये जो पीओ का एग्जाम है, इट इज नॉट योर लास्ट एग्जाम,
जस्ट एम फॉर द पीओ, इवन इफ यू मिस यू हिट द क्लर्क एग्जाम. तैयारी तो क्लर्क की कमी होगी मेन से, पीओ के से तो डेफिनेटली पीओ को एम तो करेगा एटलीस्ट. ये थोड़ा कहना कि सर पीओ नहीं होता, हम क्लर्क की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी. अरे पीओ दे तो सही, कुछ लोग ऐसे एलिजिबल नहीं है, कोई है सब, एज कम है, मार्क्स कम है, सभी लास्ट में एज कम है, भर दो एग्जाम, एज कम है तो गलत एज भर दो आप, कुछ भी नहीं होता. मैंने एक पहला एग्जाम गलत एज भर के दिया था, एटलीस्ट एग्जाम का पैटर्न तो क्लियर करे, नहीं क्लियर हो तो नहीं हुआ, फिर क्या हो गया, कौन सा कुछ कहेंगे. वो डॉक्यूमेंट्स कब मांगते हैं, बिल्कुल लास्ट में मांगते हैं. सर तो वैसे भी एसबीआई बैंकिंग के सेक्टर के हैं, सर को तो पता होगा डॉक्यूमेंट्स लास्ट में मांगते हो. भले इंटरव्यू टाइम भले थोड़ा गलत बोल रहा हूँ मैं कि ऐसे बात तो गलत, सॉरी तो क्या होगा, चार अटेम्प्ट तो है. कौन सा प्री वाला, मतलब आप पहले सोच के चल रहे कि प्री क्लियर नहीं होगा. अगर प्री वाला काउंट नहीं होता, अरे सोच के चलो प्री क्लियर करके जाना है. पहली बार में अगर प्री क्लियर होता चौथी बार में नहीं होगा क्या, वो डेफिनेटली हो जाएगा. फिर हम सोचेंगे आप इस साल हमने आप ज्ञान में कोचिंग लिया है, सर अगले साल मैं एलिजिबल हूँ, अगले साल फिर आओगे कोचिंग लेने, अरे इसको तो काउंट कराओ ये तो फ्रेश पड़ा है. सर विल गाइड यू टू वर्ड्स द बैंकिंग एक्सपीरियंस, एक बार देखिए सर प्लीज सर बेसिक मोटिवेशन लेवल. पीयूष ने बहुत अच्छा सब कुछ बताया आपको, इसके अलावा बताने के लिए कुछ भी नहीं, बट एक दो चीजें जो थी कैलकुलेशन वाली बात जो पीयूष कर रहा था. एंड नॉर्मली व्हाट आई फाइंड इज कि स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द लाइब्रेरी और जो पीयूष ने बात कही वही लोग वहां पे मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ. व्हाट आई ऑब्जर्व इज कि स्टूडेंट्स जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं वहां पे बैठे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और कैलकुलेशन वही पुराने तरीके से कर रहे हैं. देन आस्क देम, पूछता हूँ उससे क्या आपने व्हाई आर डूइंग इट, ऐसे क्यों कर रहे हैं. तो वही बात जो पीयूष ने कही थी कि कॉन्फिडेंस नहीं है आपने. This one element missing and that element missing is confidence. And that is why आप चाहे उसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इन ए शॉर्टर में कर सकते हैं, अपने आप को कंफर्म करने के लिए आप दोबारा से करते हैं. एंड दैट मीन्स आप दो बार टाइम वेस्ट कर, नॉट वंस, यू आर वेस्टिंग योर टाइम ट्वाइस. एंड दिस इज गेन ओनली एंड ओनली ऑफ टाइम, ओनली एंड ओनली ऑफ स्ट्रेटेजी. So the one thing that will get you confidence is practice. Practice के बिना आपकी confidence नहीं increase हो सकता और इसीलिए आपको बहुत ज्यादा practice करनी है. And last time I was also मैंने शायद last time भी एक बात कही थी कि somebody asked a lawn tennis player कि आप हर रोज lawn tennis क्यों खेलते हैं, you are world number one. Whenever you go to the court, आप वहां पे जीत के आते हैं. Then why do you play daily? आप daily practice क्यों करते हैं इसकी? उनका आंसर क्या था कि I practice इसलिए करता कि मसल मेमोरी क्रिएट करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम द मेंटल मेमोरी, मसल मेमोरी क्रिएट करने के लिए. सो दैट इवन इफ आई गेट ए सरप्राइज बॉल, आई डोंट हैव टू थिंक ऑफ माई माइंड कि माइंड मेरा जो है वो अपना रिएक्शन क्रिएट करे. My body should be able to react to it initially. And that is what is required of you here also. Series ke question ki baat ki ush kar rahe. Will you solve the series question? Yes or no? Yes sir. My answer is no. Aap series ke question ko kabhi solve nahi karenge. If you know the answer, you will take it. Otherwise, this is solve nahi. The moment you will try solving it, you are wasting your time. आपको सीरीज के कम से कम 1,500 जो है वो पैटर्न पता होने चाहिए. 500-700 सीरीज क्वेश्चन आपको रट्टे से याद होने चाहिए. So whenever you have a look at the question, you know the answer. You are never going to solve that problem. Now this is basically how you crack the question and why others are able to do it and you are not able to do it here. And recently I was talking to somebody about why Biharis, why UP people are able to crack the examination and wo hamari percentage yahan pe kam hai. In RBI paper from Chandigarh, no North India se koi pass nahi hua. None. And some people missed it just by whiskers, 0.25. Now, why they are able to do it? Because they practice and practice.
एंड वन स्टूडेंट वाज टेलिंग मी कि मैं अभी यूपी गया था वाराणसी एंड जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो वहां से दो घंटे पहले स्टेशन आया था तो वहां से बहुत सारे स्टूडेंट जो थे दे बोर्डेड द ट्रेन और वो ऊपर जो बर्थ होता वहां पे जाके बैठ गए एंड दे ओपन द ल्यूसिड बुक और एक क्वेश्चन पूछ रहा है चार जगह उसके आंसर दे रहे एंड दैट बुक इज उन्हें रट्टा लगा हुआ है किताब कंप्लीट रट्टा दे नो द होल बुक बाय हार्ट एंड बट उनकी इंग्लिश बहुत बहुत एंड सिर्फ वही स्टूडेंट रह जाते हैं वहां पे जिनकी इंग्लिश कमजोर है एंड बाय ग्रेस कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडियन इस एरिया में इंग्लिश बहुत बहुत बेटर है आपको एज कंपेयर टू यूपी एंड बिहार एंड अदर एरिया आपकी इंग्लिश उनसे बहुत बहुत बेटर है एंड दैट इज योर एडवांटेज टेक उसका एडवांटेज लीजिए आप जस्ट वर्क ऑन द वीक स्पॉट्स वो वीक स्पॉट्स कौन से आपने आपकी प्रैक्टिस करते हैं आपको कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा दे रियलाइज जिसकी जरूरत ज्यादा होती है वो ज्यादा मेहनत करता है एंड यू आर कमिंग फ्रॉम डेफिनेटली बेटर एफ्लुएंट क्लास एज कंपेयर टू यूपी एंड बिहार तो इसलिए आप उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करते और वही चीज एक मिसिंग एलिमेंट है दैट इज ऑनली दैट बट आई नो फॉर श्योर कि अगर थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा करेंगे यू विल डेफिनेटली डू इट रिसेंटली अभी स्टेट बैंक ऑफ का रिजल्ट आया था अभी 3-4 months बैक एंड वी हैड अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट एंड आई कैन क्लेम कि ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया we had the best result 12 students from this particular center they were able to get into state bank of india pure examination this is the best result out of 2000 from all over india where you have thousands and thousands of institutes 12 students from this particular area yahan se they were able to get to make to state bank of india your name can also be here aapka naam bhi ho sakta hai the only thing is थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको नथिंग और एंड फोकस वंस अगेन स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस कीजिए नॉलेज इज वन थिंग दैट एवरीबॉडी विल रिक्वायर एंड सेकेंडली शार्पनिंग द नॉलेज दैट इज द सेकेंड थिंग दैट यू विल हैव टू डू बाय हार्ड वर्क एंड द थर्ड थिंग दैट विल बी नीडेड इज स्ट्रैटेजी एज यू जस्ट सेड के ऑल पेपर देयर दे विल हैव 67 क्वेश्चंस और 2/3 questions which are easier questions. But remember, the first question and the second question in the examination, when you open the paper, they will be the most difficult questions. And that's a trap. That's a trap. And you are 99% students, they fall into that question. Pehla question hi nahi aata. Bhai gaye. That is what you think. First of all, you must have a feel of it. 60 minutes have to pass, 2 minutes mein you must have a feel of it. And then you should start doing it. Kyunki ye sari ki sari game sirf time management ki ya strategy ki. Skill aapko sabko provide ho jaye. So, isi ke liye what you will need to do is apart from the hard work, कि आप जो है मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा करें आई थिंक सबने बैंक परीक्षा डाउनलोड की है कि नहीं की है तो किधर की है अभी तक बैंक परीक्षा का वी हैव क्रिएटेड अनदर ऐप बैंक परीक्षा प्ले स्टोर पे जाएंगे ठीक है यू विल गेट दिस पर्टिकुलर And then you will get the login password also from the ID password. अपने class teacher जो है आपके उनसे आपको login ID password मिल जाएगी. Now here we are going to put around 40 pre-K test and 25 mains test. And आपकी तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी. Question आते हैं नहीं आते वो बात अलग से है. निकलते हैं नहीं निकलते हैं अलग बात से. पर तैयारी कैसे शुरू होगी?
कि अभी से शुरू हो जाएगी, आप मॉक टेस्ट देने अटेम्प्ट अभी से शुरू कर, चाहे सिलेबस पूरा हुआ है नहीं हुआ है दैट्स अनदर पार्ट ऑफ इट, अभी से उसकी तैयारी। एंड वन थिंग मोर, ऑन थर्ड ऑफ फ्रॉम थर्ड ऑफ मार्च टू फिफ्थ ऑफ मार्च और बैंक परीक्षा देर इज गोइंग टू बी एसबीआई ऑल इंडिया टेस्ट, ऑल इंडिया का टेस्ट होगा उसमें, नॉट ओनली अवर ऑल सेंटर्स, ऑल ओवर इंडिया जो है ये टेस्ट होने जा रहा है। उसका रिजल्ट 9th मार्च को आएगा, थर्ड से लेके 5th ऑफ मार्च के बीच यू कैन अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर टेस्ट एट एनी टाइम एट योर कन्वीनियंट टाइम, एंड 9th मार्च को उसका रिजल्ट भी आएगा जहां पे आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि आपको जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करने और ये टेस्ट करने हैं। एंड द लास्ट थिंग इज के अपनी नॉलेज को शार्पन करने के लिए आपको जो है कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा भी करवा रहे हैं। व्हाट वी ऑल्सो ऑब्जर्व कि अभी जैसे 225, 224, 226 बैचेस चल रहे हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वहां पे, नाउ दे आर गेटिंग इन टू द बेसिक्स। जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं जिनके बैच पहले पूरे हो चुके हैं, उनके लिए वी हैव स्टार्ट अनदर बैच, एक स्पेशल बैच और शुरू कर रहे हैं।